हेलो गाइस, मैं निर्मल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निर्मल ने स्केल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, कुछ भाइयों ने मुझे कमेंट किए थे कि HD चैनल एयरटेल डिजिटल टीवी में कैसे लगाएं। अगर आपके पास भी एयरटेल का सेटअप बॉक्स है तो दोस्तों, आज इस वीडियो में पूरा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कि कैसे आप HD चैनल लगा सकते हो, SD चैनल भी लगा सकते हो, नॉर्मल चैनल, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का प्रोसेस जो है लगभग सेम ही रहेगा, एक ही जगह से आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई की फरमाइश पर हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, तो चलिए फिर जान लेते हैं कैसे ये सब करना है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में बाद में आप खो जाओगे, वीडियो को लाइक आप नहीं करोगे तो। वीडियो बनाने में दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए हम यहाँ ओपन कर लेते हैं अपना एयरटेल ऐप। अगर आपके पास एयरटेल थैंक्स ऐप नहीं है तो प्ले स्टोर से सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आप उसी नंबर से रजिस्टर करिए जो आपका सेटअप बॉक्स के साथ कनेक्ट है। तो चलिए फिर यहाँ से हम प्रोफाइल पर जाते हैं, और उसके बाद हम जाएंगे माई सर्विस पर। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखिए, अब हम जैसे थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो यहाँ आपको अपना ID नंबर दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर अपने नंबर पर ही क्लिक करना है, और थोड़ा सा यहाँ प्रोसेस होगा तो आपको थोड़ा वेट कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर दो चीज़ें दिखाई जाएंगी, ऑल चैनल एंड मैनेज पैक, तो आपको क्या करना है, मैनेज पैक पर क्लिक कर देना है। मैनेज पैक पर जैसे ही आप क्लिक करोगे थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगा, तो उसके बाद दोस्तों यहाँ से भी थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, ऊपर देखिए लिखा हुआ है बेसिक पैक, और ऐसे आपको दिखाएगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है अलाकार्ट पैक, आप अपने हिसाब से पैक भी बना सकते हो। ये देखिए, यहाँ पर जैसे ही आप टिक करोगे, मान लीजिए आपने यहाँ पर टिक कर दिया, आपको दिखा दिया जाएगा इतने चैनल हैं इस पैक में, एक मंथ का इतना लगेगा। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर भी आपको 92 चैनल दिए जाएंगे इतने पैसों में, एक मंथ के लिए। तो हम यहाँ कोई भी पैक सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम HD चैनलों के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्योंकि कुछ भाई फिर कमेंट कर देते हैं, इसलिए मैं थोड़ा आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी में। यहाँ पर आपको अलाकार्ट पर चले जाना है, क्योंकि एक एक चैनल जो है आप यहाँ से ही HD हो या SD हो ऐड कर सकते हो। तो फिर यहाँ पर आप आ जाएंगे, तो उसके बाद आपको यहाँ पर देखना है हाई डेफिनेशन। यहाँ पर जितने भी चैनल हैं आपको हाई डेफिनेशन क्वालिटी में ही मिलेंगे। अगर आप नॉर्मल चैनल लगाना चाहते हो तो फिर ऊपर नीचे कहीं भी आप क्लिक कर सकते हो। देख लीजिए, ये मूवीज़ के चैनल हैं, और ये चैनल देख लीजिए SD में है, ये ऑलरेडी यहाँ पर लगे हुए हैं, टिक इन पर है। तो ये जो इन पर ग्रे कलर का टिक लगा हुआ है, ये चैनल ना तो आप हटा सकते हो। इन चैनलों को कैसे हटाना है, अगर आप ये वाला वीडियो भी चाहते हो तो हम आपको ये भी इन्फॉर्मेशन दे देंगे वीडियो के माध्यम से, लेकिन आप कमेंट में बता दें। लेकिन आज HD चैनल के बारे में ही हम बात करेंगे, हम हाई डेफिनेशन के इस एरो पर क्लिक करेंगे, और यहाँ जितने भी चैनल हैं आपको HD चैनल हाई डेफिनेशन के नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर ऐसे आपको टिक करते जाना है जो भी चैनल आप लगाना चाहते हो। ठीक है, मान लीजिए इतने चैनल मैंने लगा लिए, जितने भी आपने लगाने हैं, 1, 2, 4 जितने भी, और उसके बाद नेक्स्ट पर जाकर बस कंफर्म करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसके बाद आपके चैनल जो हैं एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ नेक्स्ट पर नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं यहाँ आपको बस समझाना चाहता हूँ, मेरा पैक ऑलरेडी बना हुआ है। तो ऐसे आप बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों HD चैनल जो है लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आगे भी जो मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन जो है मिल सके। सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल फ्री में होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।